कल दिवाली है और आज जैसा कांगड़ा में कहते हैं हमारे यहाँ पे प्रोग्राम लगा है, पर पहले काम की बात और फिर अंत में प्रोग्राम की बात। तो अब सबसे पहली काम की बात कि एक महीने तक लंपी झेलने के बाद टोफू, नैनो, वूली अब तीनों पूरी तरह रिकवर हो गए हैं और अब बाकी के रेस्क्यूज। कुछ ज्यादा ही कटा हुआ है तो। आज एक बता निकलवा ली तूने तो कल जस्ती मिल जाएगी। जस्ट बस हो गया, दर्द हो रहा है, दर्द। डॉग बहुत ज्यादा पेन में था तो हमने उसी रात में ही उसका वायर निकाला जैसे तैसे। चलो। नेक्स्ट डे हमने उसके हेयर्स थे जो कि जख्म में कंटामिनेशन कर रहे थे, उसको हमने ट्रीट कर दिया ताकि जल्द से जल्द हीलिंग हो। इट्स ओके विक्टर, मेरी मम्मी आए। लादी, ये देखो उसको पता चल रहा है मैं प्यार कर रही हूँ, उसकी पूंछ देखो ठीक है। चल नीचे भी है क्या वायर का, वो पिनिस वाले है क्या, पर नहीं पड़ा, मतलब डीप नहीं है लेकिन कुछ मारी में लड़के हैं। वो तो अच्छा हुआ इसके जो वो एरिया वाले हैं ना, उन लोगों ने इसको चुन्नी से बांध के रखा हुआ था। कल तो बड़ा दर्द हो रहा था तेरे को, बहुत चिल्लाना है। ये देख के रख मैं। इन शिकंजों का इस्तेमाल सुअरों को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि लोग उनको मार के खा सकें। अब देखिए जिंदगी किसी की भी आसान नहीं है, पर जानवरों की तो बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी अधिकांश कुत्तों की जिंदगी उन जानवरों से बहुत बेहतर है जिन्हें मांस के लिए पैदा किया जाता है और मारा जाता है। पर कई बदकिस्मत कुत्ते इंसान की इस मांसाहार वाली प्रवृत्ति का शिकार हो ही जाते हैं। तो अगर हमें जानवरों से असल में लगाव है ना, तो हमें अपनी और अपने आसपास वालों की इस प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रयास करना होगा। तो कहाँ है? काटता है? नहीं काटता है, वो ओए है। पहले से ये था ना ट्यूमर, लेकिन वो पहले स्वेलिंग नहीं था ना, अब तो बहुत स्वेलिंग हो गई, यहाँ सब खुल गए। डॉक्टर आया था, इंजेक्शन आया, बोला कोई कह रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी है। कैटरेक्ट भी दोनों आते हैं। अच्छा अच्छा, इट्स ओके बेटी, इट्स फ्लूइड। ये देखिए बोला ट्यूमर है, ट्यूमर नहीं निकला, ही पानी भरा हुआ उसमें, ऊपर ऐसे बड़ा हुआ था, तो पिला हुआ। तीन से चार दिन रख लेते एंटीबायोटिक चला देते हैं। जिस डॉग को हमने रेस्क्यू किया था एब्सेस की वजह से, उसकी भी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फ्लूइड तो हमने फर्स्ट डे में निकलवा दिया था, उसके बाद उसका 3 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स चला और उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। डॉग काफी ज्यादा ओल्ड था, ऑलरेडी न्यूटर्ड था, तो हमने उसको वापस उसके एरिया में ही रिलीज कर दिया। कितना अच्छा होना अगर हर एक मॉनेस्ट्री में, हर एक आश्रम में या किसी भी ऐसी जगह में जहाँ पे लोग अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, एक ओल्ड एज होम या ऑर्फनेज या एक एनिमल शेल्टर हो, ताकि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, लोग पहले कर्म योग के रास्ते पे चल के और फिर ध्यान और भक्ति को जोड़ के परम आनंद की प्राप्ति कर सके। सर जी नो, इसका नाम नो नहीं है। अच्छा पता भी नहीं है ना कि इसको चोट लगी कैसे है ना, कोई भी रीजन नहीं मालूम ना उन लोगों को, बस ये उनको रैंडम सुबह मिला। इसका पिछले पैर का टो निकला हुआ है, हड्डी से इसका कट लगा हुआ है, वहाँ पे एक स्टंप बना हुआ है। अभी हम इसके पहले ब्लड टेस्ट करेंगे सारे कि इसमें कोई एनीमिक तो नहीं है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। बस बेटी चलो ठीक नंबर की। इस कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, पपीज में थोड़ा एनेस्थीसिया का रिस्क रहता है क्योंकि इसका अंदर का टिश्यू एक्सपोज्ड है, इसलिए इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा होंगे, तो हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा। वाह, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जैसे हुआ वैसे हुआ। सहारा को हमने इसलिए अडॉप्ट कर रखा है क्योंकि सर्जरी की पेचीदगी के कारण इसका हर्निया पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और इसको अगर हम सड़क पे छोड़ते हैं तो ये प्रेग्नेंट होगी और फिर नहीं बचेगी। पर इसके साथ हमारे ही काउ शेड में कुछ ऐसा हुआ जिसको हम समझ नहीं पा रहे। चोट कैसे लगी होगी, मतलब यही हुआ ना अंदर जो, इसने तो नहीं मारा सीन में, ये कहां मारेगा, ये वो तो वो टाइट बंधा, ये टाइट बंधा, ये टाइट बंधा, सब टाइट है, छेद सा हुआ ना, देखो तो अच्छा ही खासा वो मांस गायब हुआ वहां से। कैसे करता बच्चे, दिखती शैतान है चार बेबी।
तेरे कितना सारा खून बहेगा, देख नदियां बहेगी खून की। क्या किया ये, कैसे हुआ, किसने किया बता मेरे को। तरीका किसने किया, उसके पास चलाता हूँ। किसने किया बच्ची को, किसने किया? मेरी सहारा है, रुक। बच्चे रुक रुक जा, सहारा नीचे रख, सहारा रुक जा। तेरे को भी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ठीक हो जाना जल्दी जल्दी। राजकुमार को हमने एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए पालनपुर भेजा था, जिसमें हमें पता चला है कि इसको पेडियस अनला का फ्रैक्चर है, तो अभी पूरा हील नहीं हुआ है, इसलिए अभी कंटिन्यू करेंगे हम स्प्रिंटिंग थोड़ा टाइम के लिए। और जो उसके वूंड्स हैं उनकी हम डेली फिर वैसे ही ड्रेसिंग करेंगे, ताकि वो भी ज़्यादा फैले ना और जो भी टांग को और डैमेज ना हो। सो ही गया हूं। हाँ, इसको जैसी मर्जी लिटा दो, ये वैसे ही लेट जाता है, कुछ नहीं बोलता किसी को, कुछ भी करते रहो, ट्रीटमेंट करो कुछ करो, ये नहीं कुछ पार हुआ। तो अब राजकुमार यहाँ पे सबका इतना लाडला हो गया है और कहीं पे भी लमलेट हो जाता है कि इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ा तो पता नहीं कौन इस पे कब गाड़ी चढ़ा जाएगा। और ये जो सुंदर सा बछड़ा मेरे साथ बैठा है, इसके साथ शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है, पर इसको यहाँ से कुछ दूर सिद्धबाड़ी करके एक जगह पे कोई छोड़ गया था, जैसा कि बछड़ों के साथ अक्सर होता है। अब ऐसा नहीं है कि उस जगह पे लोगों के पास संसाधन होगी या ज़मीन की कोई कमी है, पर इसको रोटी देना तो दूर, कोई इसको अपने घर के बाहर खड़े भी नहीं होने दे रहा था, तो वहाँ का एक एनिमल रेस्क्यू इसको यहाँ पे छोड़ गया। अब हाल ही में जो हमारा सुंदर नाम का एक बैल गुजरा है, उसी की याद में मैंने इसका नाम सुंदर रखा है। लेकिन जिन बछड़ों को माँ का प्यार नहीं मिलता, उन्हें मैं प्यार तो कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अटैच ना हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारा साथ कितना लंबा है। पीटी चार जिसको हमने शाहपुर एरिया से रेस्क्यू किया था, जिसकी फ्रंट लगी इंजरी थी, इसने हमें बहुत परेशान किया, क्योंकि रेस्क्यू के टाइम पे भी इसने काफ़ी ज़्यादा दौड़ाया था, लेकिन अब जो इसका घाव है पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और अब हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं। क्लाउड के केस में थोड़ी पेचीदगी आ गई, इसकी गर्दन की स्वेलिंग कम हो रही थी, पर फिर वो अचानक बढ़ना शुरू हो गई। अब की बार हमने इसके टेस्ट कराए तो पता लगा कि इसका ब्लड प्लेटलेट्स काउंट डाउन है। तो फिर जब इसका दोबारा टेस्ट हुआ तो पता लगा इसको दोनों तरह के टिक फीवर है, जबकि इसमें टिक फीवर का कोई भी सिम्टम नहीं था। तो इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि इसके लिम्फ नोड सूजे हुए थे, इसलिए इसके गर्दन की स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी। अब दवाई तो इसकी चल रही है, पर एक दिक्कत आ रही है, ये बहुत चूजी है। या 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 किसमें चूजी है ये, अभी देखिए, ऐसे तो खाएगा नहीं, नहीं? तो अभी इसको रखना पड़ेगा, जब सब चले जाएंगे तब रखना। अब ये मेडिसिन छोड़ेगा, चुपचाप से चले तो ये सब करना नहीं पड़ता। खा लिया निकाल रहा है लेफ्ट से ना, नहीं जा रही तो खा लिया। यस, आराम से, चिल, डोंट फ्रीक आउट महीने हो गए इसको फॉस्टर करे, और अब जब मैं जा रही हूँ तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मैं उसको यहाँ पे रख के जाऊँ। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, सो द ओनली थिंग आई कुड डू वाज अडॉप्ट हर। हर टाइम मैं लिली को देखूंगी तो मुझे पीपल फार्म की याद आएगी, है ना? लिली, हैप्पीएस्ट कैट। यस, क्यों इतना खुशी है तुम लोग? लोग मतलब कैसे होना चाहिए? यार मेरे लिए एक चुड़ैल चल गई, अब दूसरी कब जाती है और तीसरी कब जाती है, तो कोई नई चुड़ैल आए। वैसे तो कुछ वाले होने चाहिए, मेरी याद आएगी, बता दो प्लीज। रो रही है सच में अपनी माँ की सुनाई बाबा नानक की कहानी याद आ जाती है। एक गांव जिसमें लोगों का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही बुरा था, वहां से जाते हुए बाबा नानक ने उनको कहा कि भाई बसे रहो। पर एक गांव जहां पे लोगों का व्यवहार बाबा नानक के प्रति बहुत ही अच्छा था, वहां से जाते हुए उन्होंने उनको कहा कि भाई उजड़ जाओ।
तो भाई मर्दाना ने जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने फिर समझाया कि भाई मैं चाहता हूँ कि बुराई एक जगह सिमटी रहे, पर अच्छे लोग जब जगह जगह जाएंगे तो अपने साथ अच्छाई लेके जाएंगे। पीपल फ्रॉम की सारी टीम, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, उनके परिवारजन या वॉलंटियर्स, इकट्ठे मिलके खाना खा ले। और मेरे को लगता है कि हर 2-3 महीने में ऐसा एक प्रोग्राम होते रहना चाहिए, पर मेरा फोकस सफरिंग पे इतना ज़्यादा है कि मैं सेलिब्रेशन के बारे में भूल जाता हूँ। पर सेलिब्रेशन ही है जो लोगों को इकट्ठे करती है, और जो काम लोग इकट्ठे होकर कर सकते हैं वो अकेला जन नहीं कर सकता। और यही बात याद रखना, मेरा दिवाली रेजोल्यूशन है। आपका दिवाली रेजोल्यूशन क्या है हमें कॉमेंट्स में बताइएगा।